एक चीज देखने आपके जवाब से ये बात साफ है कि भाई आप लोग अलग क्लब से खेले, लेकिन जब इंडियन खिलाड़ी अच्छा कर रहा होता है तो बड़ी खुशी हो रही होती नहीं, ऑब्वियस सी है। बात है, अगर आप किसी के साथ मतलब किसी के दोस्त हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन अलग बात है, लेकिन दूसरे की परफॉर्मेंस में खुश होना भी एक मुझे लगता है कि एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए उस बात का कि आप मुंह पे उसको बोल दें कि अच्छा खेला आपने और पीछे से ये उम्मीद करें कि वो अच्छा ना करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने दोस्त हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, तो जब वो अच्छा करते हैं मुझे भी अच्छा लगता है, और जब मैं अच्छा करता हूँ उन्हें भी अच्छा लगता है। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, सबको पता है कि मतलब एक एज ग्रुप के हैं और परफॉर्मेंसेज मैटर करती हैं, लेकिन वो सब ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हम लोग एक दूसरे की परफॉर्मेंस में बहुत खुश होते हैं। अभी तक सबसे इम्प्रेसिव गेंदबाज कौन रहा है? ऑब्वियसली लसित मलिंगा है, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है इस टूर्नामेंट में, और हरभजन सिंह ने अच्छी बॉलिंग करी है हमारे लिए, डैनियल विटोरी ने अच्छी बॉलिंग करी है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर पिछले मैच में खेले सईद मोहम्मद, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है। तो काफ़ी जैसे कि मैंने कहा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है, और हर मैच में नई परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, तो वो ऑब्वियसली आईपीएल का यही एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है पिछले 4 सालों में कि हर मैच में एक नई परफॉर्मेंस निकल के आती है। मंगलवार को वीरू के खिलाफ होंगे उनकी टीम, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग? नहीं, फीलिंग तो नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं अपने होम टाउन में एक गेम खेल रहा हूँ, हालांकि वो ऑपोजिशन से होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि थोड़े लोग मुझे भी सपोर्ट करने आए। तो दिल्ली में आखिरी सवाल, दिल्ली में खेल रहे हैं और वही जैसा आपने कहा कि अपने घर में लेकिन मेहमान है, ये बात कितना फर्क डालेगी? आपको लगता है क्राउड आपको सपोर्ट करेगी या दिल्ली वीरू के दोस्तों को करेगी? नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब थोड़ा सपोर्ट करेगी मुझे, लेकिन ऑब्वियसली होम टीम को एडवांटेज रहता है, लेकिन एज अ लोकल प्लेयर आई होप कि मुझे सपोर्ट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के, विराट। हम उम्मीद करते हैं जो वर्ल्ड कप की कामयाबी का सिलसिला है वो आईपीएल में भी चलता रहे। थैंक यू।